Hello everybody, dear friends, today I am going to teach you the very very important words and the phrases which are used in our spoken English. Please watch without wasting our time. It is your misconception that यह आपकी गलत धारणा है, बहुत ज्यादा बोलचाल में है कि वह पढ़ नहीं रहा है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए, यह आपकी गलत धारणा है कि मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो इट इज योर मिसकंसेप्शन दैट मोदी जी इज नॉट डूइंग गुड वर्क। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, यह आपकी गलत धारणा है कि मैंने आपके खिलाफ साजिश की है। इट इज योर मिसकंसेप्शन दैट आई हैव कंस्पायर्ड अगेंस्ट यू। नाउ नेक्स्ट वर्ड, फाइंड गिल्टी ऑफ, का दोषी पाना। अधिकारी ने आपको लापरवाही का दोषी पाया है। तो द ऑफिसर हैज फाउंड यू गिल्टी ऑफ केयरलेसनेस, राइट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज टेक इनटू कस्टडी, हिरासत में लेना। अरेस्ट की जगह आप टेक इनटू कस्टडी लगाइए, राइट। पुलिस ने कल्लू उर्फ कालिया को हिरासत में ले लिया है। तो द पुलिस हैव टेकन कल्लू अलियास कालिया इनटू कस्टडी। देखिए, पुलिस के साथ बहुवचन आता है, इसलिए मैंने हैव लगाया है। ओके डियर फ्रेंड्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज टेक ऑन डिमांड, पूछताछ के लिए हिरासत में लेना। ओके, तो उसके बाद पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए 4 दिनों के लिए हिरासत में ले लिया है। ले लिया मीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है नहीं यहां पर है। तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो वॉच, आफ्टर दैट द पुलिस टुक हिम ऑन रिमांड फॉर 4 days. With this, I am coming to an end. Please apply all these beautiful phrases in your spoken and written English to prettify. Best of luck.